सोनेगांव थाना अंतर्गत वर्धा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। सोनेगांव थाना अंतर्गत वर्धा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात हुई। दोपहिया वाहन पर आए 3 आरोपियों ने हथियार से हमला कर अटेंडेंट से नगद राशि लूट ली। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महज 3 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने में यश हासिल किया। पकड़े गए आरोपियों में शिवनगांव निवासी अजय जग्गू यादव, पंचदीप नगर निवासी रूपेश अरुण वरनकर और सोमलवाड़ा निवासी अनिल शंकर वानखेड़े का समावेश है। रूपेश पर पहले मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने मनीष नगर निवासी दिवाकर तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। यहाँ पे एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है उज्वल नगर में। वहाँ पेट्रोल पंप में दोपहर 1:30 बजे के समय वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले जो कर्मचारी है उनका काम चालू था। अब जो भी ग्राहक है उनके गाड़ी में पेट्रोल भरना, तभी एक तीन ये जो हम हमारे डीबी स्टाफ ने जो 3 लोग पकड़े आरोपी पकड़े हैं, वो 3 आरोपी अचानक से आ गए और उनके एक के हाथ में बहुत बड़ा चाकू है और उसने एक ने वो पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है उसको पकड़ा, उसके जेब में से पैसे निकाला और दूसरे ने उसके हाथ पे चाकू मारा और तीसरे ने भी फिर उसके उसको मारने की कोशिश किया। ऐसे तीनों ने उसके ऊपर अटैक करके उसके जेब से पैसे निकाले हैं। दिवाकर वर्धा रोड पर सोमलवाड़ा परिसर में स्थित आशीष पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम करते हैं। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे के दौरान कतार में लगे वाहनों में वे पेट्रोल भर रहे थे। इसी दौरान 3 आरोपी दोपहिया वाहन क्रमांक MH31EAS6930 पर वहां पर आए। एक आरोपी ने हाथीमार चाकू निकालकर दिवाकर को धमकाया और नकद राशि निकालकर देने को कहा। दिवाकर द्वारा विरोध करते ही आरोपी ने उन पर चाकू से वार किया और शर्ट की जेब से 1000 रुपए निकालकर फरार हो गए। पेट्रोल डालने आया था कस्टमर, इधर से लाइन लगी थी, आके उधर लगा दिया उस साइड। तो उसको बोले इधर से ले ले, बोले नहीं लेता मैं इधर ही डालूंगा पेट्रोल। मैं गया था बाथरूम चाहे फिर उसको डाल दिया और वो दूसरा लड़का था उसके साथ में फिर बातें हुई, बोले ऐसा वैसा मैं कौन हूँ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर वर्षा देशमुख और PSI TM ढाकुलकर अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली और अपने पंटरों को काम पर लगाया। जानकारी मिली कि लूट की वारदात में रुपेश शामिल था। खबर मिलते ही पुलिस उसके घर पर पहुंची। वहां 3 आरोपी पुलिस के हाथ लग गए। शराब का जुगाड़ करने के लिए 3 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से दोपहिया वाहन, चाकू और नगद सहित 31,500 रुपए का माल जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर वर्षा देशमुख, PSI ढाकुलकर, हेड कांस्टेबल राजेश नरेश, कांस्टेबल सुशील, मुकेश अनिल और रविंद्र ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।